हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है वडेलिया का, इसको क्रीपिंग डेजी भी कहते हैं। और इसमें येलो कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल थोड़ी डेजी जैसे फ्लावर्स आते हैं और ये क्रीप करता है ग्राउंड में, इसलिए इसको क्रीपिंग डेजी भी कहते हैं। और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ट्रेल करता है। ये देखिए, ये एक मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है और ये पूरा ट्रेल कर रहा है। ये देखिए, ऐसे करके रखा हुआ है और ये जितनी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, उतनी बुशी होता जाएगा ये प्लांट, उतने एंड्स में इसमें फ्लावर्स आते जाएंगे। केयर बहुत सिंपल है, आप केयर के लिए यू कैन स्टे टिल द एंड। एंड में मैं इसकी केयर बताऊंगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये वडेलिया के प्लांट को कैसे 3.5 मंथ्स पहले मैंने इसको कटिंग से लगाया, क्या क्या किया प्रोसीजर, कितने ग्रोथ पीरियड हुआ, कैसे प्रूनिंग की, कैसे इसको बुशी किया, ये पूरा 3.5 महीने की जर्नी हम लोग देखेंगे। और अब इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और थोड़े दिनों में पूरे फ्लावर्स येलो कलर के भर जाएंगे और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि कैसे मैंने इसको कटिंग से रेक्टेंगुलर पॉट में लगाया और आज ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा कट करके सिजर्स से ये वाली बास्केट को एकदम ट्रिम कर दूंगी ताकि न्यू ग्रोथ निकले और जो ये कटिंग निकलेगी इसको हम लोग प्रोपोगेट करेंगे। ये पूरा कट कर दिया है और ये अब नई ब्रांचेस निकलेंगी और नए शूट्स निकलेंगे। ये हम लोग की कटिंग निकली है। अब इतने इतने साइज का मैं छोटी छोटी कटिंग काट लूंगी इसको। और ये देखिए, ये मैंने ये इतनी छोटी छोटी नोड्स है, ये नोड है उससे नीचे, और इसकी नीचे की लीव्स काट दूंगी। और यहाँ मैंने एक रूटेक्स रखा है, रूटिंग हार्मोन, ये लगा के पूरी बेड ये तैयार करूंगी। और ये मैंने पॉटिंग सॉइल इसमें लिया है, 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 कोकोपीट, 1/4 सैंड और 1/4 कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में मैंने गोबर की खाद ली है, काउडंग मैन्योर, साथ में बोन मील और नीम खली ली है, फंगीसाइड तो डाला है। तो सबको इतना 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 काट के, चलिए हम लोग मिलते हैं, इतना इतना काट के कटिंग्स तैयार करते। ये रूटिंग हार्मोन लिया है मैंने और अब इसको थोड़ा थोड़ा गैप में खूब सारे प्लांट्स लगा देंगे। जब भी कटिंग काटे आप कटिंग को एकदम से थोड़ा पानी में डिप कर दीजिए, उससे वो थोड़ा रिप्लेनिश रहता है। एक्स्ट्रा लीव्स इसकी सारी निकाल देंगे, इसको रूटिंग हार्मोन में डिप करके बस ऐसे करके लगाएंगे। एक्स्ट्रा लीव्स सब निकाल देंगे नीचे की, ये देखिए एक्स्ट्रा लीव, क्योंकि हम लोग को अभी खाली ये लीव्स कई बार वैसे ही विल्ट हो जाएंगी और नई लीव्स निकलेंगी। इसको पास पास अब लगा देंगे। चलिए पूरा लगा के फिर मिलते हैं। अब ये सब पूरा भर दिया है, पूरा बेड भर गया है इसका, कंटेनर का एक रेक्टेंगुलर भरा है, एक ये छोटा सा कंटेनर लगा लिया है, ये हैंगिंग पॉट बन जाएगा, इसमें हैंगर्स लग जाते हैं। अब मिड जुलाई हो गया है, 3.5 मंथ्स बाद इसका ये स्टेटस है। इतने बड़े प्लांट्स हो गए हैं सारे और ये कंटेनर एकदम भर चुका है। इसके दौरान मैंने एक बार इसको फर्टिलाइज किया था खाली कॉम्पोस्ट टी से, लिक्विड पूरे में डाला था अच्छी तरह। तो ये फ्लावरिंग पे है आजकल। अब हम लोग इसकी शॉर्ट में केयर देखते हैं कि कैसे केयर करेंगे ताकि आपके भी वडेलिया में ऐसे ही फ्लावर्स आए। इसकी केयर बहुत ही सिंपल है, इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो इसकी सॉइल मॉइस्ट रखिए इवनली। और अगर इसको स्प्रे भी करते रहे पानी से, जब पानी डालें तो इसको अच्छे से वॉश आउट कर दें ताकि इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो ये प्लांट की लीव्स खूब ग्रीन और ब्यूटीफुली ग्रो करती हैं, इसकी लीव्स भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं ग्रीन कलर की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके फर्टिलाइज कैसे करेंगे आप।
इसमें आप अगर आपने इसको नया लगाया हुआ है उस सीजन में, जैसे मैंने ये लगाया था ये वाला कंटेनर, तो इसमें इनफ फर्टिलाइजर होता है, आपको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मगर अगर आप चाहते हैं इसमें फ्लावरिंग ज्यादा हो तो आप इसमें कॉम्पोस्टी या लिक्विड काउडंग मेन्योर आप इजिली डाल सकते हैं। महीने में 20 डेज में एक बार ये इनफ होता है इसके लिए। इसमें इन्फेस्टेशन होती है, इसमें इन्फेस्टेशन होती है माइट्स की और मिली बग्स की, मैंने देखी हुई है, और मिली बग्स की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी जो टेंडर लीव्स होती हैं ऊपर, उसमें वाइट वाइट कलर के बग्स लग जाते हैं। उनको आप अगर रेगुलरली अगर नीम ऑयल कुछ ड्रॉप्स 1 लीटर वाटर में, उसके साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ मीठा सोडा और लिक्विड सोप मिक्स करके अच्छे से इसको वॉश आउट करते रहें तो ये प्रोटेक्टेड रहता है। और अगर इसमें ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाता है तो आपको इसको ऑर्गेनिक अगर यूज़ कर रहे हैं मेथड, तो आपको रेगुलरली इसको वॉश आउट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इनको खाली पानी से भी अगर वॉश करेंगे तब भी मिली बग्स निकल जाते हैं। और माइट्स का तो इलाज है हर प्लांट्स के लिए कि आप उनको क्लीन रखें, वॉश करते रहें ताकि इन्फेस्टेशन शुरू ही ना हो। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं तो आप इमीडा क्लोप्रिड कुछ ड्रॉप्स 1 लीटर वाटर में या 500 ml में डाल के उसको स्प्रे करके इरेडिकेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वडेलिया की या क्रीपिंग डेजी का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।